Hey friends, welcome to my room tour. To enter in my room, the first one is this central door जो जहाँ हमारे घर के टीवी रूम की तरफ जाता है, and the second one is this door ये door यहाँ से open होके बाहर गिराज से होता है हमारे लॉन की तरफ जाता है. So when we enter in our room, the center of attention of this room is this wall, I call the wall of pain. This wall के center मैंने अपनी bachelor of medicine, bachelor of surgery, MBBS की degree को frame करके लगाया हुआ है. उसके नीचे ये मेरा गोल्ड मेडल का सर्टिफिकेट है एंड देयर इज दिस गोल्ड मेडल आई गॉट इन माय मेडिकल स्कूल. उसके साथ मैंने यहाँ पर एक ग्रिड बनाया हुआ है, इस ग्रिड पे मैंने एक स्टेथोस्कोप लगाई हुई है एंड देयर इज अ लेटर बोर्ड जिस पर मैं कोटेशंस लिख रहता हूँ जो मेरी फेवरेट होती हैं. देयर इज फोकस एंड क्लिक मेंबर मेंटेलिटी आजकल मेरी काफ़ी फेवरेट कोट चल रही है. देयर इज दिस फ्रेम विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, ये मुझे हमारे अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज आर्ट्स एंड फोटोग्राफी सोसाइटी के फेयरवेल में मिला था. आई वाज द प्रेसिडेंट और मुझे मेरे जूनियर्स ने जो फेयरवेल दी थी तब ये मुझे दिया था. यहाँ नीचे मैंने अपनी सारी ट्रॉफीज जो मुझे इन मेडिकल स्कूल डिफरेंट ईयर्स ऑफ एमबीबीएस में मिली हैं, आर्ट्स एंड फोटोग्राफी, एकेडमिक्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, वो सब मैंने यहाँ एक उनका टेस्टिमोनियल बना के यहाँ फ्रेम रख के रखा हुआ है. इस सेंटर में मुझे लम्ब से ट्रॉफी मिली थी व्हेन आई केम रनर अप इन आर्ट्स एंड फोटोग्राफी ईयर. ये यहाँ मुझे फातिमा मेडिकल यूनिवर्सिटी से मिली थी. दैट वन आई गॉट इन किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री से मुझे मिली थी दिस वन सेम. एंड जो बाकी सब हैं ये मुझे अपने अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज में मिली हुई है. सो इन सब को मैंने यहाँ लगाया हुआ है. इस वॉल के अगर ऊपर आप देखें तो देर इज अ क्लॉक देयर और उस क्लॉक के साइड में बिल्कुल वर्ल्ड का मैप है जो मैंने लगाया हुआ है, अफ्रीका, एशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और जो ओशंस हैं वो. और उसके नीचे एक लड़के का बिल्कुल स्टैचू सा बना हुआ है और देयर इज अ कोट रिटन ऑन इट दैट इज देयर इज अ होल वर्ल्ड आउटसाइड वेटिंग फॉर यू, यू हैव टू टेक अ लुक. तो ये जो बिल्कुल मैंने वॉल के स्टैटिक्स बनाई हैं दैट द वॉल ऑफ फेम, ये आपका ना मूड बिल्कुल फ्रेश कर देती है व्हेन एवर यू एंटर इन माय रूम एंड इट इज द फर्स्ट थिंग यू सी व्हेन यू एंटर इन माय रूम. सो दिस वॉल ऑफ फेम के बिल्कुल साथ ही दिस स्टडी सेटअप ऑफ माइंड, इस स्टडी स्पेस पे देयर इज अ टेबल जो 24 सेंटीमीटर × 48 सेंटीमीटर की डायमेंशन की टेबल है. देयर इज दिस रिवॉल्विंग चेयर जो कि काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल आपको स्टडी वगैरह करने के लिए. इस टेबल के ऊपर मैंने अपना ये सेंट्रल लैपटॉप रखा हुआ है विच इज HP ZBook 17. उसके साथ देयर इज अ पॉट, आर्टिफिशियल फ्लावर पॉट एंड देयर इज दिस डमी जो मैंने यहाँ रखी हुई है. देयर इज दिस फेरी लाइट्स, इसमें मैंने अगर कोई स्टिकी नोट्स लगाने हो तो मैं स्टिकी नोट्स लगा लेता हूँ. देयर इज दिस लैम्प जो मैंने लैम्प यहाँ रखा हुआ है. उसके साथ ही बिल्कुल एक रो है बुक्स की जो मैं बुक्स एकेडमिक बुक्स पढ़ रहा हूँ आजकल, जिस तरह जैसे मेरी स्टेप वन की बुक है ये, आजकल मैं स्टेप वन की प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो वो मैंने रखी हुई है. और उसके पीछे भी काफ़ी ज़्यादा डेविडसन सर्जरी वगैरह की डिफरेंट बुक्स हैं. सो वेन एवर आई एम स्टडिंग तो मैं इस टेबल को यूटिलाइज करता हूँ या वेन एवर आई एम एडिटिंग या मैं कोई रिसर्च प्रोजेक्ट कर रहा हूँ लैपटॉप के ऊपर, सो इट इज़ वेरी कन्वीनियंट टू डू हेयर, तो मैं वो सब यहाँ पर करता हूँ. इस टेबल के बिल्कुल साथ ही आप देखें तो देर इज दिस लैम्प, ये लैम्प मैंने बाहर मार्केट से लिया था. इट गोज विद द एस्थेटिक्स ऑफ माई रूम, इट हैज़ अ ब्लैक होल्ड हेयर. इस लैम्प के बिल्कुल साथ ये रिंग लाइट है, देर इज दिस LED लाइट, ये ऑडियो स्टैंड है, ये ट्राइपॉड है, व्हेन एवर आई एम फिल्मिंग इन माय रूम तो ये सारे इक्विपमेंट मैं यूज़ कर रहा होता हूँ. इसके साथ ही देयर इज दिस क्लोज़ेट टाइप है, इस क्लोज़ेट में मैंने अपना कैमरे का सारा इक्विपमेंट रखा हुआ है और इस ड्रॉ में भी माइक्स वगैरह एंड ऑल ऑफ द थिंग्स वी यूज इन आर्ट्स एंड फोटोग्राफी. एंड अलॉन्ग विद दिस क्लोज़ेट देयर इज अ प्लांट हेयर जो सा मेरे रूम के स्टैटिक्स को मैच करता है. और यहाँ पर मैंने अपना एक बोर्ड बनाया हुआ है, यहाँ पर मैंने एक लैंटर्न रखी हुई है, देयर इज दिस फ्लावर पॉट और यहाँ पर मैंने डिफरेंट बुक्स रखी हैं कौन सी मैं आजकल पढ़ रहा हूँ जिसमें द बिग रेड बुक है बाय मौलाना रूम और उसके साथ ये आप देखें तो द काइट रनर है, लुक दिस इज लव पोइम्स ऑफ मौलाना रूम और एटॉमिक हैबिट्स बुक है. दीज आर ऑल ग्रेट बुक्स जो मैं आजकल पढ़ रहा हूँ, इन सबको मैंने यहाँ पर रखा हुआ है.
आफ्टर डैट यहाँ पर एक बिल्कुल स्पेशियस एरिया है जिसको मैंने बिल्कुल खाली रखा हुआ है. वैन एवर आई एम स्ट्रेचिंग या वैन आई वॉक अप, तो सुबह सुबह उठ के मैं यहाँ पर एक अपना मैट बिछा के यहाँ पर थोड़ी स्ट्रेचिंग वगैरह कर लेता हूँ. या वैन एवर आई फील लाइक लेजी तो मैं यहाँ पर बिल्कुल एक्सरसाइज वगैरह कुछ भी करनी हो तो मैं इस एरिया में एक्सरसाइज वगैरह करता हूँ. वैन वी कम टू दिस साइड ऑफ माई रूम, तो यहाँ पर मेरा बेड है. एज द नेम सजेस्ट ये बेड मैं यूज़ करता हूँ फॉर स्लीपिंग पर्पस एंड फॉर रेस्टिंग इन माई रूम. इस बेड को मैंने खुद डिज़ाइन करवा के बनवाया हुआ है. एज यू कैन सी इसके यहाँ पर डिफरेंट कंपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि एक ये कंपार्टमेंट है जिधर मैंने बुक्स रखी हुई हैं कुछ, एंड यहाँ पर भी एक डिफरेंट कंपार्टमेंट है जिधर मैंने अपनी डायरीज रखी हुई हैं. यहाँ पर ये मैंने येशिका का कैमरा रखा हुआ है एज अ प्रॉप. ये मेरे पापा का था तो वो यूज़ करते थे, उसके बाद से मैंने प्रॉप इसको यूज़ करके रखा हुआ है. यहाँ मैंने डिफरेंट बुक्स रखी हुई हैं और इस साइड पर मेरी डायरीज पड़ी हुई हैं. सो एट नाइट टाइम जब भी मैं यहाँ सोने के लिए आता हूँ तो मैं इन डायरीज पे कुछ राइट वगैरह करता हूँ, जो मेरी टू डू लिस्ट होती है, जो मैंने आज काम किए हैं और मेरा कल के जो प्लान्स हैं वो सारे मैं इस पर लिख लेता हूँ. फिर इस पर मेरे कोई क्रिएटिव आइडियाज़ होते हैं, जो मैंने यूट्यूब की वीडियो को स्क्रिप्ट करना हो या मेरा कोई रिसर्च प्रोजेक्ट हो, वट एवर आई वॉन्ट टू हैव सम आइडियाज़ तो मैं इस पर लिख लेता हूँ. और थर्ड मंथ में मेरे ईयरली गोल जो प्लान है जिससे मैं वर्क कर रहा हूँ वो सब मैं लिख रहा हूँ. सो ये तीन डायरीज हमेशा मेरे बेड के साइड पे रहती हैं एट नाइट टाइम. व्हेन यू कम आउट ऑफ दिस प्लेस तो यहाँ पर एक ड्रॉ है, इस ड्रॉ में मैंने बिल्कुल भी स्लिंग चीज़ें रखी हुई हैं, जैसे कि मेरा मीडिया पेपर्स है, दे आर सम हार्ड ड्राइव्स हियर, सम ईयरपोड्स एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ. और इसके ऊपर ये मेरा पल्स ऑक्सीमीटर पड़ा हुआ है, ये मेरा पॉकेट कैमरा है, दिस इज माई पर्स. और ये सोने के टाइम मैंने आई कवर यूज़ करना होता है. इस बेड के नीचे यहाँ पर दो कंपार्टमेंट्स हैं, इन कंपार्टमेंट्स को मैं चीज़ें वगैरह स्टोर करने के लिए यूज़ करता हूँ. इस कंपार्टमेंट में सो द थॉट बिहाइंड इसके, जब आपने चीज़ें वगैरह स्टोर करनी हो तो आपके लिए बहुत हैंडी हो जाएगा. यहाँ पर एक बिल्कुल मिरर है, इस मिरर में मैंने जो अपनी बाल वगैरह सेट करनी हो और व्हेन आई हैव टू चेक आउट माई सेल्फ तो मैं यहाँ पर इस मिरर का यूज़ करता हूँ. इस मिरर के साथ बिल्कुल यहाँ पर एक क्लोजेट है, इस क्लोजेट के चार कंपार्टमेंट्स हैं. फर्स्ट कंपार्टमेंट में मैं जीन्स और अपनी फॉर्मल पैंट्स रखता हूँ, सेकंड में मेरी सारी शर्ट्स होती हैं, थर्ड में मेरे हॉस्पिटल के स्क्रब्स और ऑल ऑफ द यूनिफॉर्म्स आई वेयर टू द हॉस्पिटल वो मैं रखता हूँ, लास्ट वन में मिसलेनियस कपड़े मैंने रखे होते हैं. और यहाँ पर मेरे सारे हैंगिंग क्लोथ्स, लॉन्ग कोट्स, पेंट कोट्स टाइप हैं. और यहाँ नीचे मैंने अपनी सॉक्स और बेल्ट्स वगैरह इस तरह की चीज़ें मैंने रखी होती हैं. Now let's talk about the overall aesthetics of my room, the thought behind setting my room this way, the color combination in my room and all of that stuff. So I read a philosophy in a book ke jab chote bacche hote hain you try to have very bright colors in your room like yellow, orange, red, pink. So wo jo bright colors hote hain na as a child aapke andar na creativity force karte hain aur aap as a creative person banne ki koshish karte hain aur aap creative sochte hain. But when you are grown up you are an adult person now. So you try to have very monochrome colors in your room like I have in my room the dark theme. So monochrome white, grey या dark color के आप colors रखते हैं, इससे ये होता है कि आपकी ना जो thoughts होती हैं ना वो streamline होती हैं. You try to be creative from inside not outside. आप अंदर से creative इंसान बनने की कोशिश करते हैं और आप creative ideas खुद से सोचते हैं. So that was the thought behind it. And when you look at the wall of fame, इससे मैंने ये जो map बनाया था और ये जो quotation लिखी हुई है इससे आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील हो. एज यू ऑल नो आई एम अ डॉक्टर, सो हॉस्पिटल में अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करके डिफरेंट केसेस देके जब घर आता हूँ आई ट्राई टू फील मोटिवेटेड, दैट्स व्हाई मैंने ये अपनी वॉल ऑफ फेम को बनाया हुआ है. आई थिंक एवरीवन नीड टू हैव अ वॉल ऑफ फेम लाइक दैट एंड अ मेमोरियल इन देयर रूम, जिससे आपको मोटिवेटेड फील हो, आपको एक जर्नी नजर आए आपकी के व्हाट यू हैव अचीव्ड इन योर लाइफ एंड व्हाट हाउ फार यू हैव टू गो नेक्स्ट. सो आई थिंक ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है. आई थिंक सबके घर में एक इस तरह की वॉल ऑफ फेम मेमोरियम होना चाहिए. सो दिस वॉज बेसिकली माई रूम टूर. मुझे यूट्यूब चैनल पर बहुत ज़्यादा क्यूरीज आती है कि अपने एक रूम का टूर दें. सो आई ट्राई टू शेयर ऑल ऑफ माई रूम, द थिंग्स आई हैव इन माई रूम, द ओवरऑल लुक एंड एस्थेटिक्स के एंट्रेंस इसकी कहाँ से है. इट इज़ काइंड ऑफ अ स्पेशियस रूम, इसकी डायमेंशन काफ़ी बड़ी हैं. ये हमारी बेडरूम साइड थी और ये हमारा वॉल ऑफ फेम थी. दिस इज आवर स्टडी डेस्क सेटअप. And I tried to cover all of that in this video. Hope you guys like this video and hope you get something out of it. If you did, subscribe to the channel and follow me on Instagram to see more content like this. Thank you again for watching and I'll see you in the next one. Bye bye.